ऑर्गेजम अर्थात जो सेक्सुअल परमोच्च आनंद मिलता है, सेक्सुअल ऑर्गेजम जिसको बोलते हैं, उसके अलग अलग 7 तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सेक्स में आनंद मिलता है, लोग ऐसा समझते हैं कि लिंग का योनि में प्रवेश करने के बाद में जो सेक्स होता है वही सेक्स है और वही आनंद आता है, ऐसा लोगों को लगता है। सेक्स उतने पूर्णतः मर्यादित नहीं है, सेक्स का आनंद बाकी जगह से भी मिल सकता है, बाकी बॉडी पार्ट से भी मिल सकता है। ऑर्गेजम की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेजम मतलब ऐसा है कि एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ आपके होश उड़ जाते हैं, उतने पूर्णतः वो जो ऑर्गेजम होता है मतलब सेक्सुअल अत्युच्च आनंद जो मिलता है, चरम सीमा पे जब पहुंच जाते हैं तब कुछ सेकंड के लिए हम खुद को भूल जाते हैं, वो उसको ऑर्गेजम बोलते हैं, चरम सीमा का अत्युच्च आनंद मिलना। तो वो आनंद लोगों को और भी बॉडी पार्ट से मिलता है अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल पेनिट्रेशन, अपार्ट फ्रॉम इंटरकोर्स। तो वो कौन से बॉडी पार्ट्स है? उसको बोलते हैं इरोनियस जोन्स। और कोई भी बॉडी का पार्ट जहाँ टच करने के बाद में एक्साइटमेंट आती है वो इरोनियस जोन से, और वहाँ से भी लोगों को ऑर्गेजम का आनंद मिल सकता है। तो इसमें एक है मुंह, माउथ, उसमें लिप्स, टंग और ये पूरा एरिया। क्या होता है कि माउथ ये ऑर्गेजम दे सकता है, अत्युच्च आनंद दे सकता है। सेक्स करने के समय लोग माउथ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सक करना, सेक्स करने के समय लोग माउथ का इस्तेमाल करते हैं, सक करते हैं, किस करते हैं, टंग से चाटते हैं, पूरे बदन को माउथ से टच करते हैं और सामने वाले को आनंद देते हैं, उसको उसमें बहुत मज़ा आता है और ख़ुद को भी मज़ा आता है। तो ये हो गया माउथ का पार्ट, टंग और लिप्स, ये बहुत ही इरोजिनस है और वहाँ से अत्युच्च आनंद मिल सकता है। नंबर दो, ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट और निपल्स, ये जो एरिया है फीमेल का और हो सकता है मेल का भी, वो उनको बहुत आनंद देता है। और सक करने से, निपल चाटने से, किसिंग करने से और सक स्पेशली निपल को सक करने से उनको उतना आनंद मिलता है जितना सेक्स करने का आनंद मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सकिंग करना, माउथ से सक करते हैं तो कभी कभी समझो MCA महामारी है या फिर आखिरी के दिन है प्रेगनेंसी के, जब सेक्स अलाउड नहीं है, ऐसे कोई भी कंडीशन हो जहाँ सेक्स अलाउड नहीं है, वहाँ ब्रेस्ट को सक करके माउथ से लोग उसका आनंद लेते हैं और वहाँ ऑर्गेजम अपना खुद का करवा के लेते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है रेक्टम, मतलब जहाँ से टॉयलेट होता है। रेक्टम का एरिया जो है एनस, वो जो एरिया है, वो एरिया में लोग सेक्स करते हैं, वो एरिया इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, वहाँ कोई सिक्रीशन होते नहीं है, तो इसलिए वहाँ लुब्रिकेटिंग जेल लगा के लोग अत्युच्च आनंद लेते हैं। हो सकता है फिंगरिंग करके आनंद लेते हैं खुद का खुद ही, या फिर पेनिस को अंदर डाल के और एनल सेक्स करके लोग सेक्स का आनंद लेते हैं, उसमें भी लोगों को ऑर्गेजम का अनुभव आते रहता है। चौथा जो है वो एक चाइल्ड बर्थ का आनंद, जो लेडी जन्म देती है बच्चे को तो उस समय उसको दर्द होता है मगर वो सुखद दर्द होता है, प्लेजरेबल पेन ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा है कि उसको दर्द होता है मगर उसको दर्द चाहिए रहता है। और उस समय जब एक्चुअली बर्थ जो होता है चाइल्ड का, बच्चा जब जन्म लेता है तब उसको ऑर्गेजम का आनंद आता है, तो वो क्या चाइल्ड बर्थ। पाँचवा जो है वो है नींद में इरेक्शन होना और नींद में ऑर्गेजम का अनुभव लेना। सपने लोगों को आते हैं, उसमें वो इमेजिन करते हैं कि वो सेक्स कर रहे हैं, उनका इरेक्शन होता है और इरेक्शन होने के बाद में उनको ऐसा दिखता है कि हम खुद सेक्स कर रहे हैं, सेक्स का अनुभव ले रहे हैं, और सेक्स उतना ही आनंद उनको सपने में आता है और डिस्चार्ज भी हो जाता है एज इफ दे आर डूइंग सेक्स। तो ये नींद का है जिसमें भी ऑर्गेजम होता है। फिर कुछ लोगों को जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पीछे की रीढ़ की हड्डी है वहाँ स्पाइनल कॉर्ड यदि इंजोर होता है, और फिर वहाँ इंजरी होने से क्या होता है कि वहाँ से जो मतलब अलग अलग जगह नर्व जाती है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से भी जाती है, तो यदि वहाँ इंजरी हुई है तो कान, फिर होंठ, ब्रेस्ट, निपल्स, यहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पैदा होती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। इसलिए लोगों को कान को चुभा के, कान को सक करके काफ़ी लोगों को उनको सेक्स का अनुभव आता है। हो सकता है कि ब्रेन इंजरी नहीं हुई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है, तभी भी उनको कान को सक करने से, कान को चुभाने से, बाइटिंग करने से, किसिंग करने से उनको ऑर्गेजम का आनंद आता है। सातवां जो है वो है हाथ और कंधे। कुछ लोगों को हाथ और कंधे उनके बहुत सेंसिटिव रहते हैं और हाथ और कंधे पे सक करने से, चूसने से, किसिंग करने से उनको बहुत आनंद आता है, सेक्स का जैसा आनंद उनको आता है
और उनके कंधे बहुत सेंसिटिव होते हैं और हाथ भी सेंसिटिव होते हैं, तो उनको हाथ से भी बहुत ज़्यादा सेक्स का आनंद होता है। तो ऐसे ये सात अलग अलग ऑर्गन्स है, सात अलग अलग एरियाज है कि जहाँ ये, और छह रास्ते हैं कि जहाँ ऑर्गन में इतना आनंद आता है। तो कभी सेक्स करने के लिए सिचुएशन ठीक ना हो तो आप ये अलग अलग जगह का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपको उसका आनंद आता है क्या, और सेक्स उतना ही आनंद आप ले सकते हैं यदि वो एरियाज आपके सेंसिटिव है। तो आपको यदि सेक्स के बारे में कुछ सवाल है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उसके ऊपर नाममात्र शुल्क ₹150 भेजना है, जहाँ आप हमारे, मतलब वो पेमेंट करने के बाद में हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, आपका प्रॉब्लम समझ लेंगे और मेरे से बात करके वो आपको दवाई हमारे यहाँ से रवाना करेंगे। तो आपको यदि कंसल्टेशन करना है हमारे क्रेडिट कार्ड के डॉक्टर को तो डेफिनेटली वहाँ पेमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।